राजस्थान में मचा सियासी घमासान किस ओर करवट लेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। 3 दिनों से चल रहे शो और मात के खेल में सचिन पायलट खेमे का पहला वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार की क्रैश लैंडिंग पर सचिन पायलट अभी भी आमादा है। पायलट खेमे की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके समर्थन में करीब 30 विधायक है। साथ ही मंगलवार सुबह 10 बजे होने वाली कांग्रेस की बैठक में सचिन पायलट हिस्सा नहीं लेंगे। इस बैठक का न्योता सचिन पायलट के साथ बाकी विधायकों को भी दिया गया है। इस वीडियो के सामने आने से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी के दरवाजे खुले हैं और सचिन पायलट का स्वागत है। इस अपील के बाद सवाल उठा कि जब सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ी नहीं है तो दरवाजे खोलने की नौबत क्यों आई। एक बड़े न्यूज चैनल से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस से बातचीत के चर्चाएं बेबुनियाद है। हमारे किसी भी कांग्रेस नेता से बात नहीं हुई है। हम कांग्रेस के किसी नेता के टच में नहीं है। ये अब हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। पायलट के बयान से साफ होता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। वही सोमवार दोपहर अशोक गहलोत ने 109 विधायकों के साथ मीडिया परेड कराई, लेकिन पायलट खेमे का वीडियो सामने आने के बाद फिर पेच फंसता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि गहलोत खेमे का नंबर गेम गड़बड़ा रहा है। भले मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने 109 विधायकों के साथ होने का दावा किया है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है।